हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो अनडॉक्यूमेंट लोगों को पक्के करने के वास्ते प्रेजिडेंट जो बाइडन और डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा जोड़े बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उन्होंने बिलों को लैके जो लेटेस्ट अपडेट आई हैगी है वो बारे असं गल करांगे इस वीडियो दे विच। सो शुरू करते हैं। इमीग्रेशन को लैके हिस्पैनिक कांग्रेस मैंबर ने इस हफ्ते प्रेजिडेंट बाइडन के नाल मीटिंग की हैगी है। सो मीटिंग दे विच इन्हां ने प्रेजिडेंट बाइडन को कहा हैगा कि इमीग्रेशन के बिल जिहड़े इन्हां ने इंट्रोड्यूस किए हैगे आ, उन्हां दे कुछ जिहड़े पार्ट्स जिहड़े हैगे आ इमीग्रेशन दे, जिन्हां नूं बजट रिकनसीलिएशन दे द्वारा पास करवाया जाए, क्योंकि प्रेजिडेंट बाइडन इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल जिहड़ा लैके आ रहे हैगे आ, जिहदे विच इन्हां ने कहा हैगा कि जेकर रिपब्लिकन पार्टी इन्हां दा उस बिल नूं पास करवाउण दे विच साथ नहीं दऊगी तां इह बजट रिकनसीलिएशन दे द्वारा उस बिल नूं पास करवा लैणगे। सो बजट रिकनसीलिएशन है कि उहदे बारे असीं अग्गे गल करदे हां। सो मीटिंग तो बाद इन्हां ने कहा हैगा कि प्रेजिडेंट बाइडन भी कह रहे हैगे आ कि रिपब्लिकन पार्टी की सपोर्ट तो बिना इमीग्रेशन दीआं कुछ जिहड़ीआं चीज़ां हैगीआं जिन्हां नूं पास करवाया जाए। सो बजट रिकनसीलिएशन है कि उहदे बारे गल करन तो पहला तुहानूं दस दईए, US सैनेट दे विच किसी भी बिल नूं पास होने दे वास्ते टोटल 60 वोटां की जरूरत पैंदी हैगी है, क्योंकि टोटल 100 मैंबर हैगे आ US सैनेट दे विच। हुण रिपब्लिकन पार्टी दे 50 मैंबर हैगे आ अते डेमोक्रेटिक पार्टी दे भी 50 मैंबर हैगे आ US सैनेट दे विच। डेमोक्रेटिक पार्टी नूं किसी भी बिल नूं पास करवाउण दे वास्ते रिपब्लिकन पार्टी दे टोटल 10 मैंबरां दी सपोर्ट दी जरूरत हैगी है। बाकी तुहानूं पता ही है रिपब्लिकन पार्टी लगातार कह रही है कि वह डेमोक्रेटिक पार्टी दे किसी भी इमीग्रेशन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर दे बिल नूं पास करवाउण दे वास्ते सपोर्ट नहीं करूगी, क्योंकि बॉर्डर उत्ते जो हो रहा हैगा तुहानूं पता ही है वह मुद्दे नूं लै के लगातार ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी का विरोध कर रही हैगी है। सो हुण डेमोक्रेटिक पार्टी दे कोल एक ऑप्शन हैगी है बजट रिकनसीलिएशन दी, जिहदे द्वारा ये सिंपल मजोरिटी दे नाल बिल नूं पास करवा सकदे हैगे आ। इहदे विच इन्हां नूं रिपब्लिकन पार्टी दे 10 मैंबरां दी वोट दी जरूरत नहीं पवेगी, सिर्फ सिंपल मजोरिटी मतलब 51 वोटां दे नाल ये बिल नूं पास करवा सकदे हैगे आ। सो 50 इन्हां दे ऑलरेडी मैंबर हैगे आ, एक वोट जिहड़ी वाइस प्रेजिडेंट कमला हैरिस दी वोट दे नाल बिल नूं ये पास जो है करवा सकते हैं। सो हुण गल करते हैं बजट रिकनसीलिएशन दी ऑप्शन जिहड़ी हैगी है, इसनूं ये सिर्फ बजट रिलेटेड जिहड़े बिल हैगे आ उहदे वास्ते ही यूज़ कर सकते हैं, मतलब स्पेंडिंग रेवेन्यू या फिर फैडरल डेब्ट दे वास्ते। पर इमीग्रेशन नूं इहदे विच जो ऐड करन वास्ते कहा जा रहा है कि यह संभव हैगा कि बजट रिकनसीलिएशन दे द्वारा इमीग्रेशन नूं भी पास करवाया जा सकता है या नहीं करवाया जा सकता है, ये डिपेंड करता हैगा सैनेट पार्लियामेंटेरियन दे उत्ते। सैनेट पार्लियामेंटेरियन जिहड़ा हैगा वह जो डिसाइड करता हैगा कि बजट रिकनसीलिएशन दे द्वारा जिहड़ा बिल पास हो रहा हैगा उहदे विच किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां होनियां चाहीदियां, किहड़ियां चीज़ां नहीं होनियां चाहीदियां। सो सैनेट पार्लियामेंटेरियन दे द्वारा जेकर इमीग्रेशन दे कुछ पार्ट्स कुछ चीज़ां नूं बिल दे विच ऐड करन दे वास्ते अप्रूवल मिल जाता हैगा तां इहनूं भी बजट रिकनसीलिएशन दे द्वारा पास करवाया जा सकता है। बाकी लॉ मेकरस दे द्वारा जो पुश किया जा रहा है प्रेजिडेंट बाइडन नूं, कुछ तो दलील उहनां दे कोल होगी, कुछ तो लॉ एवें दा होवेगा जो इमीग्रेशन नूं इहदे थ्रू ये पास करवाउण वास्ते कह रहे हैगे आ। सो ये एक बहुत वधिया गल हैगी है कि ये चाह रहे हैगे आ कि इमीग्रेशन दे बिल जिहड़े हैगे आ उहनां नूं किसे ना किसे तरीके दे नाल पास करवाया जाए। बाकी प्रेजिडेंट बाइडन भी इहदे हक विच हैगे आ। सो देखदे आउण वाले दिनां दे विच इमीग्रेशन दे बारे की अपडेट हुंदी है। सो असीं लगातार तुहानूं अपडेट दिंदे रहांगे। जेकर चैनल नूं अजे तक तुसीं सबसक्राइब नहीं कीता थले लाल रंग दे सबसक्राइब बटन नूं प्रेस जरूर करो। सो फिर मिलते हैं नवी वीडियो दे नाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।